फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नॉर्दर्न रेलवे की सीरीज़ में एक और रेलवे स्टेशन कवर करने आए हैं, जिसका नाम है मेरठ नगर जंक्शन, जिसको मेरठ सिटी जंक्शन भी कहते हैं। चलिए, ये इसकी दो एंट्रेंस हैं, एक तो ये पार्किंग की तरफ निकल जाती है, यहाँ से आपको ऑटो टैक्सी और ये सब मिल जाएगी, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये हम इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चल रहे हैं। मेरठ नगर जंक्शन की बात करें तो इसको स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के क्रिकेट बैट बॉल भी यहाँ के बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होते हैं। चलिए अब एंटर करते हैं हम मेन एंट्रेंस से। ये हम अंदर की तरफ एंटर हो गए हैं। चलिए, ये इस बिल्डिंग का मेन व्यू है। ये हम पीछे से अंदर आए थे। ये पार्किंग स्टैंड, यहाँ से ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसकी यहाँ से हमने इसकी एंट्री करी है, और ये हमारा मेरठ नगर जंक्शन की मेन एंट्रेंस है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो ये मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग की यहाँ से एंट्रेंस है, और ये एक बोर्ड पूरा लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। पर्सनल ऑफिस ये एक बोर्ड है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये हम यहाँ पे एंटर करते हैं। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो ये हमने बिल्डिंग का आपको दिखाया, उसके बाद यहाँ से एंटर करने के बाद ये आरक्षण केंद्र भी इधर ही है, और ये हम यहाँ से एंटर करते हैं तो एंटर के साथ में ही ये बना हुआ है। ये आप व्यू कर सकते हैं पूरा। इधर एंटर करते ही आपको बिल्कुल फ्रंट पे ये चाइल्ड हेल्प डेस्क दिखेगा, ये आप व्यू कर लीजिए, और जीआरपी का ये वो दिखेगा। ये बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे आप अनरिजर्व टिकट भी ले सकते हैं, और जो वो साइड की खिड़की है ये वाली जो अभी बंद पड़ी है, यहाँ से आपको रिजर्वेशन काउंटर होता है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए अब इसकी मेन एंट्रेंस पे चलते हैं हम, प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ। लेट्स गो। एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो ये ऊपर ये ट्रेन का इंफॉर्मेशन का ये सब लगा हुआ है, इससे आपको ट्रेन की इंफॉर्मेशन वगैरह भी मिल जाएगी। और ये इसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है ये इसकी। यहाँ से अब हम एंटर करते हैं। जब हम यहाँ से एंट्रेंस होते हैं तो इसी के साइड में ही फूड स्टॉल भी बने हुए हैं। चलिए अब हम इस प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ की कवरेज करते हैं, मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही एक इंक्वायरी काउंटर भी बना हुआ है, जहाँ से आप ट्रेन का वगैरह का पता कर सकते हैं। ये एक खिड़की है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही ये IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम भी बना हुआ है, जहाँ पे आपको खाने पीने के फूड आइटम्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो बुक स्टॉल भी अवेलेबल है, ये डस्टबिन भी रखा हुआ है, वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। ये बुक स्टॉल के जस्ट बगल में ही एक विश्रामालय भी बना हुआ है, और यहाँ पे इसके चार्जेस भी लिखे हुए हैं। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन की कुछ और बातें कर लेते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर एक से फुटओवर ब्रिज के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। ये फुटओवर ब्रिज से हम चल रहे हैं। अब इस स्टेशन की बात करें तो यहाँ से मेरठ से पानीपत के लिए 104 किलोमीटर लंबी लाइन जो बननी है, उसका बजट 1100 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो एक नई लाइन बनेगी। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ जो है, हम सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं, तो जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक से हम ये फुटओवर ब्रिज पे आ गए। फुटओवर ब्रिज से आपको नीचे जाने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट के साथ साथ यहाँ पर एस्केलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि वर्किंग पोजीशन में है। अब हम एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। इस स्टेशन के बारे में और भी बात करी जाए
तो यहाँ से मेरठ नगर से जंक्शन से लखनऊ राजधानी जो है 458 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से दिल्ली 72 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं। ये हम मेरठ नगर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का व्यू है। इस वक्त हम 2 और 3 की तरफ हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से जब हम एस्केलेटर से उतरे 2-3 की तरफ, तो ये सामने ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ इंडिया पोस्ट का ऑफिस भी बना हुआ है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है ये। अब मैं इधर से चलता हूँ तो यहाँ पर ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कार्यालय भी बना हुआ है, सामने ही है। ये जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ है, और जो हम राइट साइड पर देख पा रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, जो 4 और 5 की तरफ बना हुआ है वो वॉशिंग लाइन बनी हुई है। यहाँ से गाड़ी वगैरह वॉश होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम इसी एस्केलेटर से नीचे आए थे, अब इस एस्केलेटर से हम ऊपर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ। चलिए वो भी करवाता हूँ। अब इस स्टेशन की कुछ बात करें तो यहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं, एक राज्य रानी एक्सप्रेस और एक नौचंदी एक्सप्रेस। नौचंदी एक्सप्रेस जो सहारनपुर से ऑरिजिनेट होती है, और इसके जो लिंक है यहाँ से जुड़े जाते हैं मेरठ सिटी जंक्शन से, जो कि लखनऊ से कनेक्ट होते हैं। और राज्य रानी एक्सप्रेस जो है वो यहीं से बनती है, सीधे जो है मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाती है। यहाँ की इंटरलॉकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग है, रूट रिले इंटरलॉकिंग है, जो कि यहाँ के सिग्नल जिससे मैनेज किए जाते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल रहे हैं, अब हम 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ से हम 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ से एक यार्ड का व्यू भी करवाऊंगा अभी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4, ये 5 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है, ये 4 और 5 का व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ये इसके लास्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा पास करके दिखाऊंगा, तो वो यार्ड है। और जब हम इधर से जाते हैं तो वो वॉशिंग लाइन दूर से दिख रही है, ये रही वॉशिंग लाइन। चलिए अब आगे चलते हैं। ये 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अब हम इसके एरियल व्यू की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ से है। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये यार्ड है जहाँ पे ये खाली रैक्स लगे हुए हैं, ये लोकोमोटिव है। और जब हम इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ जाते हैं तो वो सामने यार्ड है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 और 3, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो जो मेन एंट्रेंस आपको शो आउट कर पा रहा हूँ। अब हम स्टेशन के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। स्टेशन को जंक्शन कहने का कारण ये है कि यहाँ पे दिल्ली मेरठ सहारनपुर लाइन है, और मेरठ बुलंदशहर खुर्जा लाइन है। यहाँ से टोटल 9 ट्रेन्स ऑरिजिनेट होती हैं, और 9 ट्रेन ही टर्मिनेट भी होती हैं। यहाँ पे टोटल 63 ट्रेन्स हॉल्ट करती हैं। पॉपुलर ट्रेन्स में है नंदा देवी एसी एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोल्डन टेंपल मेल, योगा एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। ये इस वक्त हम 4 और 5 की तरफ हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। इस स्टेशन के इतिहास की भी बात कर लें तो स्टेशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार में 1911 में की थी, ब्रिटिश सरकार ने की थी इसकी स्टेशन की स्थापना। जंक्शन होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये हम मेरठ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बिल्कुल एंड में हैं। मैं इसका आपको पास से व्यू करवा दे रहा हूँ, ये वॉशिंग लाइन का। अब इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, एक और ओवरव्यू और एरियल व्यू की बात कर लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म इस स्टेशन पर आपको SBI और PNB का ATM एंट्रेंस के साथ में ही अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, और फूड आइटम्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। वॉशरूम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, IRCTC का खान पान का जो आपको खाने पीने का है वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ये लोको शेड लगा हुआ है, निरीक्षण यान लगा हुआ है, ये मेरठ नगर जंक्शन की तरफ ही। अब हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। इस सीरीज़ नॉर्दर्न रेलवे सीरीज़ में ये कोर रेलवे स्टेशन था, इसकी डिवीज़न दिल्ली है। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर, सो प्लीज़ शेयर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।